दोस्तों पॉलिटिक्स ना बहुत बुरी चीज है, आप जानते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली ये वाला जो वाक्य हुआ ना, आप भी हंस जाओगे कि आज तक हम जिसको हीरो समझते थे, सोचते थे कि जी ये व्यक्ति तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, क्योंकि जो व्यक्ति यही कहते हुए चीफ मिनिस्टर बन गया, जिसने आज तक सिर्फ यही बात कही कि भ्रष्टाचार के मैं खिलाफ हूं, इस भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाए, उस भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाए जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने से पहले बहुत वादे किए थे, बहुत से इनके पास सबूत थे और कहा था अगर ये चीफ मिनिस्टर बन गए तो सब जेल है, सारे भ्रष्टाचारी। लेकिन आज तक इन्होंने एक व्यक्ति को भी जेल में भेजा हो तो बता देना। चलिए उसको साइड करते हैं। लेकिन अब नया सीन ये निकल के आया है कि यही अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपकी पार्टी क्या करती नजर आ रही है, तो पंजाब के अंदर ये टिकट खरीद रहे हैं। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। तो राघव चड्ढा जब पंजाब थे तो वो बुरी तरह मुंह छुपा के भागते नजर आए, और इसका प्रमुख कारण था कि इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने इनका विरोध इतनी जोर शोर से किया और यहां तक कि राघव चड्ढा को चोर तक कहा। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल आते हैं प्रेस को ब्रीफ करते वक्त ये बात कहते हैं कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, इनकी तो नींव ही इसी के ऊपर टिकी हुई है कि इनके ये भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और इतिहास उठा के देखो, इन्होंने कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा है। तो जब इन्होंने इतने वादे किए थे, आज चीफ मिनिस्टर बन गए, तो अब इन्होंने कहा है कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन चीफ मिनिस्टर होते हुए भाई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक भी टिकट बेची नहीं गई है। अगर आप साबित कर दें, कोई साबित कर दे, सबूत देके कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी, 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा। और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये साबित हुआ, उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा उन दोनों का, उनको छोड़ने वाला नहीं है, जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो। दूसरी बात, ये फैशन चल गया है, सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो ना तो लोग कीचड़ फेंकते हैं आपके ऊपर। ये सारी पार्टियां हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रही हैं, तरह तरह के लोग कीचड़ फेंक रहे हैं, टिकटें बेच दी। अगर किसी ने आम आदमी पार्टी पे गलत आरोप लगाया, उलझलूल आरोप लगाया, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हम लोग। उसके ऊपर भी ऐसे केस करेंगे, कानून के अंदर जितने हमारे पास एवेन्यू हैं उनको भी जेल भिजवा के रहेंगे। या तो साबित करो, अगर आपने साबित कर दिया मैं उनको जेल भिजवाऊंगा जो भी टिकटें बेचेगा और खरीदेगा, और अगर साबित नहीं किया और आपने उलझलूल आरोप लगाए उनको भी मैं जेल भिजवा के रहूंगा, उनको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तो आप लाके बता दो कि भैया राघव चड्ढा या इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, टिकट खरीदी है, बेची है। और इस पर बीजेपी दिल्ली ने जो ट्वीट में कैप्शन लिखा है वो भी बहुत ही दिलचस्प है, आप पढ़ोगे आपको भी हंसी आएगी। तो अपने ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट पर कैप्शन देते हैं, केजरीवाल जी अभी कुछ ही दिन पहले आपके विधायक को टिकट बेचने के आरोप में मुंह छुपाकर भागना पड़ा था, जनता को बताएं कि कब अपने विधायक को जेल भेजेंगे, जहन्नुम तक पीछा मत करिए, बस जल्दी जेल भेज दीजिए। तो जहन्नुम तक पीछा करने की आवश्यकता नहीं है केजरीवाल जी, बस जल्दी से जेल तो भेज दीजिए। आप जहन्नुम तक जाओगे, आपको वहां पे खुद भैया कैद कर लिया जाएगा, क्योंकि आप इतने सच झूठ करते हो, आप खुद भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आज तक एक भ्रष्टाचारी को आपने जेल में नहीं डाला है, तो समझ रहे ना कि जहन्नुम में के बाद घुसने के बाद आप वापस नहीं आ पाओगे, तो आप तो जेल भेज दीजिए, यही काफी होगा। तो ये वीडियो भी देखिए किस तरह से राघव चड्ढा को चोर चोर कह के इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। राघव जी आप इस तरह से क्यों जा रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप उनसे बात करिए ना, उनसे बात करिए, अगर आपसे नाराज चल रहे हैं उनसे बात करिए, ऐसे छुपके क्यों जा रहे हैं, आपको छुपके जाने की झूठ क्यों है। अगर कहता है भाज रहे ने भाज रहे सर, राघव जी
तो आपने देखा, अब यहां पे अरविंद केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि जिन्होंने टिकट बेची है बताइए मैं उनका जहन्नुम तक पीछा करूंगा, आपके सामने आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता आके कह रहे हैं तो उनकी तो सुन लीजिए, दूसरों को तो तब भी बख्श दीजिए, दूसरी पार्टियों को बख्शिए, पहले अपने कार्यकर्ताओं की सुध ले लीजिए जो आरोप लगा रहे, और जहन्नुम तक पीछा करिए और उनको जेल भेजिए, अपनी पार्टी के तो एटलीस्ट भेज दीजिए, दूसरी पार्टियों को तो आज तक भेज नहीं पाए। और कुछ नहीं तो एक पंजाब में और पर्चा फैल रहा है जिसके अंदर क्या है कि आप पैसे सबसे लो है लेकिन वोट किसको डालो, आपको डालो। अब इस तरह का एक पर्चा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो इसके ऊपर आप पार्टी यही कह रही है कि देखिए हमने तो ऐसा कोई पर्चा नहीं छपवाया है, तो जनता ने छपवा दिया। मतलब आज मेरे को तो हंसी आती है ये सुनते हुए एक पॉलिटिशियन के मुख से, राघव चड्ढा कह रहे हैं हमारे द्वारा ये कुछ नहीं छपवाया गया है, ये किसके द्वारा छपवाया गया, जनता ने छपवा दिया और जनता खुद ही छपवा के इसको प्रमोट कर रही है, इसको फैला रही है कि भैया रिश्वत सबसे लो लेकिन वोट आपको दो। देखिए ये स्थिति है, असल में ये है आम आदमी पार्टी। अब आप देख लो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी जो ये बोल के चीफ मिनिस्टर बन गए, वो असल में खुद कैसे भ्रष्टाचार को फैला रही है। इस वीडियो में इतना ही है, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, आप आकलन सोच समझ के करेंगे, आप वोट देने से पहले थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग करोगे और इस बार मूर्ख नहीं बनोगे। इस वीडियो में इतना ही है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।